दोस्तों, दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल एलन मस्क एक नई उड़ान की तैयारी में हैं। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स एक नई अंतरिक्ष यान स्टारशिप SN20 के साथ अगस्त 2021 के पहले हफ्ते में अपनी पहली उड़ान भरने वाले हैं। दोस्तों, SN20 के परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। एलन मस्क की योजना है कि वह 2024 में 100 यात्रियों के साथ मंगल ग्रह पर जाकर नई खोज कर सकें। दोस्तों, हमें यह भी जानना जरूरी है कि आखिर ये स्टारशिप SN20 में खास है क्या। दोस्तों, यह अब तक का सबसे ऊंचा यान है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी से भी अधिक है, यानी कि 394 फीट। और आप सब तो स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी की ऊंचाई तो जानते ही हैं, 305 फीट। इस स्पेस क्राफ्ट में खास बात यह है दोस्तों, यह पूरी तरह से रीयूजेबल है। इसके ऊपरी हिस्सा 160 फीट ऊंची है, जो काफ़ी हाइपर सील्ड है, और सुपर हैवी बूस्टर में लिक्विड मीथेन और लिक्विड ऑक्सीजन के उपयोग से यह मंगल पर 6 पैरों पर लैंडिंग करेगा। दोस्तों, इसकी स्पीड की बात करें तो अगर हवा में घर्षण ना के बराबर हो और मौसम ठीक ठाक रहा तो यह स्टारशिप 18,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से सफ़र कर सकता है। इस स्पेस क्राफ्ट में सेंट्रल स्टोरेज यानी जहां कंट्रोल और डाटाबेस से जुड़े काम होते हैं, वहीं इसके अलावा गैलरी और सौर तूफान से बचाने वाला एक शील्ड भी है, जो इस स्पेस क्राफ्ट को यूनिक आइडेंटिफाई घोषित करता है। दोस्तों, आप सबको पता है एलन मस्क का स्पेसशिप प्रोजेक्ट 4 बार असफल हो चुका है। आप सब SN15 के बारे में तो जानते ही हैं, जो 5 मई 2021 को अपने सफल लैंडिंग से चर्चा में रही थी। स्टारशिप SN20 इसी का अपग्रेड वर्जन है, जो अगले महीने यानी अगस्त 2021 में उड़ान भरने वाली है। कैसा लगा आपको ये फैक्ट, नीचे कमेंट बॉक्स पर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।